जादुई कैंची। कृष्णानगर नाम के एक गांव में एक नाई रहा करता था। उसका नाम मुन्ना था। वो दिन भर काम करता था, लोगों का बाल दाढ़ी काटता था और पैसे कमाकर जिया करता था। मुन्ना बहुत ही ईमानदार आदमी था। एक दिन वो गांव के जमींदार के बाल काट के वापस घर लौट रहा था। उसने देखा रास्ते में कोई बेहोश होकर पड़ा हुआ है। मुन्ना दौड़ के गया और उस आदमी के मुंह पर पानी छिड़का। वो आदमी आहिस्ते से उठ बैठा। फिर उसने कहा, महाशय, आपने मेरी सहायता की, धन्यवाद। मैंने कई साल हिमालय में तपस्या किया और कई सारे मंत्र तंत्र सीखा। तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हें एक जादुई कैंची देता हूँ, उसे तुम जो करने को कहोगे तुम्हारे लिए वो करेगा। फिर उसने हाथ घुमाया तो एक जादुई कैंची उसके हाथ में आ गया। मुन्ना को वो कैंची देकर साधु वहां से चला गया। इसके बाद मुन्ना के दुकान में वो कैंची खुद से ही बाल काटने लगा। तो ये देखकर सारे ग्राहक आश्चर्यचकित हो जाते थे। जिसका बाल जिस तरह से काटना होता था कैंची काट देता था, और मुन्ना भी उस कैंची के काम से बहुत खुश था। एक दिन महाराज ने मुन्ना को बुलवा भेजा। तो मुन्ना राजसभा पहुंचा। महामंत्री ने कहा, मुन्ना, क्या तुम जानते हो महाराज ने तुम्हें क्यों बुलवाया है? हमें पता चला है कि तुम्हारे पास एक जादुई कैंची है, उससे हमें काम है। शत्रु देश के सेना हमारे राज्य से युद्ध करने पहुंच गए हैं। उनके नौका दल और बाकी सेना ने हमारे राज्य को घेर रखा है। वो किसी भी वक्त हम पे आक्रमण कर सकते हैं। हम जैसे कहते हैं तुम्हारे कैंची को वैसे आदेश दो। क्या तुम हमारे बात से सहमत हो? मुन्ना ने कहा, मंत्री जी, देश के लिए कुछ भी करना पड़े मैं करने को तैयार हूँ। बताइए मेरे कैंची को कौन सा आदेश देना है? फिर मंत्री जी ने मुन्ना को क्या क्या करना होगा समझाया। मुन्ना ने कहा, ओ मेरी मायावी कैंची, जाओ और शत्रु शिविर का विनाश करके वापस आओ। फिर वो कैंची वहां से उड़ गया। वो उड़ते उड़ते नदी किनारे आ पहुंचा। वहां शत्रु देश के सारे नाव बंधे हुए थे। कैंची जाकर उन नावों को बांध के रखने वाला रस्सियों को काट दिया। बस सारे नाव पानी में बह गए। ये देखकर सारे सैनिक घबरा गए और चिल्लाने लगे, अरे हमारे तैराक चला गया, नाव को रोकना पड़ेगा। फिर वो कैंची उनके तंबुओं के पास जा पहुंचा। उसने मशालों को बांधने वाले रस्सियों को काट दिया तो मशाल नीचे गिर गए और तंबुओं में आग लग गई। इसके बाद वो कैंची हाथियों को और घोड़ों को जाके चुभा। तो जानवरों ने भगदड़ मचाई और उनके डर से शत्रु सेना भी तितर बितर हो गया। अपने किले पे खड़े महाराज ये सब देख रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे। फिर कैंची मुन्ना के पास लौट आया। महाराज ने कहा, शाबाश मुन्ना, शाबाश। महामंत्री, आपके सलाह के वजह से ही ये सब संभव हुआ है। इनाम स्वीकार कीजिए। ये कहकर उन्होंने सोने के सिक्कों से भरा थैली मंत्री जी को दिया। ये देखकर मुन्ना को बहुत गुस्सा आया। घर वापस लौटते वक्त मुन्ना एक जगह पर रुका। महाराज ने जो किया है वो गलत है। सारा काम तो मेरा जादुई कैंची ने किया है और इनाम उन्होंने मंत्री जी को दे दिया। इतने में मुन्ना ने देखा वो साधु महाराज वहाँ से जा रहे थे। तो मुन्ना ने साधु महाराज को सारी बात बताई। साधु ने कहा, देखो बेटा, महाराज ने जो किया वो मेरे हिसाब से सही है और ये देखकर तुम्हारा गुस्सा होना भी सही है। पर तुम्हें एक बात तो जरूर सोचना पड़ेगा। उस कैंची को तुमने सिर्फ अपने काम के लिए इस्तेमाल किया है, इसलिए ज्यादा पैसा नहीं कमाया। पर मंत्री जी ने अपने बुद्धिबल से साबित किया कि उस कैंची से कोई भी चीज किया जा सकता है। तुम भी उन्हीं की तरह सोचो, कैंची से क्या क्या करवाया जा सकता है, कितने पैसे कमाया जा सकता है, सोचो। तुम्हें खुद को समझ में आ जाएगा। इसके बाद से मुन्ना ने कैंची का इस्तेमाल सिर्फ अपने दुकान में ही नहीं बल्कि वो कैंची दूसरों का काम आए ऐसे कामों में भी लगाने लगा। इसके बाद से वो कैंची पेड़ काटने लगा, बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने लगा और कई ऐसे काम करने लगा।
कैंची की मदद से मुन्ना ने बहुत पैसे कमाए और एक अमीर आदमी बन गया। तो बच्चों, इस कहानी का सारांश ये निकलता है कि हमारे पास जो चीज होते हैं उनका सही मोल हमें पहचानना चाहिए, इससे हमें अच्छा मुनाफा होगा, है ना? जादुई कैंची। कृष्णानगर नाम के एक गांव में एक नाई रहा करता था। उसका नाम मुन्ना था। वो दिन भर काम करता था, लोगों का बाल दाढ़ी काटता था और पैसे कमाकर जिया करता था। मुन्ना बहुत ही ईमानदार आदमी था। एक दिन वो गांव के जमींदार के बाल काट के वापस घर लौट रहा था। उसने देखा रास्ते में कोई बेहोश होकर पड़ा हुआ है। मुन्ना दौड़ के गया और उस आदमी के मुंह पर पानी छिड़का। वो आदमी आहिस्ते से उठ बैठा। फिर उसने कहा, महाशय, आपने मेरी सहायता की, धन्यवाद। मैंने कई साल हिमालय में तपस्या किया और कई सारे मंत्र तंत्र सीखा। तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हें एक जादुई कैंची देता हूँ, उसे तुम जो करने को कहोगे तुम्हारे लिए वो करेगा। फिर उसने हाथ घुमाया तो एक जादुई कैंची उसके हाथ में आ गया। मुन्ना को वो कैंची देकर साधु वहां से चला गया। इसके बाद मुन्ना के दुकान में वो कैंची खुद से ही बाल काटने लगा। तो ये देखकर सारे ग्राहक आश्चर्यचकित हो जाते थे। जिसका बाल जिस तरह से काटना होता था कैंची काट देता था, और मुन्ना भी उस कैंची के काम से बहुत खुश था। एक दिन महाराज ने मुन्ना को बुलवा भेजा। तो मुन्ना राजसभा पहुंचा। महामंत्री ने कहा, मुन्ना, क्या तुम जानते हो महाराज ने तुम्हें क्यों बुलवाया है? हमें पता चला है कि तुम्हारे पास एक जादुई कैंची है, उससे हमें काम है। शत्रु देश के सेना हमारे राज्य से युद्ध करने पहुंच गए हैं। उनके नौका दल और बाकी सेना ने हमारे राज्य को घेर रखा है। वो किसी भी वक्त हम पे आक्रमण कर सकते हैं। हम जैसे कहते हैं तुम्हारे कैंची को वैसे आदेश दो। क्या तुम हमारे बात से सहमत हो? मुन्ना ने कहा, मंत्री जी, देश के लिए कुछ भी करना पड़े मैं करने को तैयार हूँ। बताइए मेरे कैंची को कौन सा आदेश देना है? फिर मंत्री जी ने मुन्ना को क्या क्या करना होगा समझाया। मुन्ना ने कहा, ओ मेरी मायावी कैंची, जाओ और शत्रु शिविर का विनाश करके वापस आओ। फिर वो कैंची वहां से उड़ गया। वो उड़ते उड़ते नदी किनारे आ पहुंचा। वहां शत्रु देश के सारे नाव बंधे हुए थे। कैंची जाकर उन नावों को बांध के रखने वाला रस्सियों को काट दिया। बस सारे नाव पानी में बह गए। ये देखकर सारे सैनिक घबरा गए और चिल्लाने लगे, अरे हमारे तैरा कहाँ गए, नाव को रोकना पड़ेगा। फिर वो कैंची उनके तंबुओं के पास जा पहुंचा। उसने मशालों को बांधने वाले रस्सियों को काट दिया तो मशाल नीचे गिर गए और तंबुओं में आग लग गई। इसके बाद वो कैंची हाथियों को और घोड़ों को जाके चुभा। तो जानवरों ने भगदड़ मचाई और उनके डर से शत्रु सेना भी तितर बितर हो गया। अपने किले पे खड़े महाराज ये सब देख रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे। फिर कैंची मुन्ना के पास लौट आया। महाराज ने कहा, शाबाश मुन्ना, शाबाश। महामंत्री, आपके सलाह के वजह से ही ये सब संभव हुआ है, इनाम स्वीकार कीजिए। ये कहकर उन्होंने सोने के सिक्कों से भरा थैली मंत्री जी को दिया। ये देखकर मुन्ना को बहुत गुस्सा आया। घर वापस लौटते वक्त मुन्ना एक जगह पर रुका। महाराज ने जो किया है वो गलत है। सारा काम तो मेरा जादुई कैंची ने किया है और इनाम उन्होंने मंत्री जी को दे दिया। इतने में मुन्ना ने देखा वो साधु महाराज वहाँ से जा रहे थे। तो मुन्ना ने साधु महाराज को सारी बात बताई। साधु ने कहा, देखो बेटा, महाराज ने जो किया वो मेरे हिसाब से सही है, और ये देखकर तुम्हारा गुस्सा होना भी सही है, पर तुम्हें एक बात तो जरूर सोचना पड़ेगा। उस कैंची को तुमने सिर्फ अपने काम के लिए इस्तेमाल किया है, इसलिए ज्यादा पैसा नहीं कमाया। पर मंत्री जी ने अपने बुद्धि बल से साबित किया कि उस कैंची से कोई भी चीज किया जा सकता है। तुम भी उन्हीं की तरह सोचो, कैंची से क्या क्या करवाया जा सकता है, कितने पैसे कमाया जा सकता है, सोचो, तुम्हें खुद को समझ में आ जाएगा। इसके बाद से मुन्ना ने कैंची का इस्तेमाल सिर्फ अपने दुकान में ही नहीं, बल्कि वो कैंची दूसरों का काम आए ऐसे कामों में भी लगाने लगा।
इसके बाद से वो कैंची पेड़ काटने लगा। बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने लगा और कई ऐसे काम करने लगा। कैंची की मदद से मुन्ना ने बहुत पैसे कमाए और एक अमीर आदमी बन गया। तो बच्चों, इस कहानी का सारांश ये निकलता है कि हमारे पास जो चीज होते हैं उनका सही मोल हमें पहचानना चाहिए, इससे हमें अच्छा मुनाफा होगा, है ना?